टोटल रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है इसका, फील हो रहा है कि हाँ आप 24.5 पीएस चला रहे हो। एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनो, तो भाई एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा गजब है इसका, आप देख सकते हैं। देखो सामने है अपने XMR, हीरो की XMR जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो अभी इसका करने वाले हैं टेस्ट राइड। तो अब देखते हैं भाई बाइक में क्या पावर है, कैसी है चलने में और कैसा रिएक्ट करती है भाई थ्रॉटल पे। तो चलो भाई, और मैं पिलियन के साथ राइड करने वाला हूँ। ये मोहित भाई मेरे पिलियन है, पिलियन राइडर, और मैं अभी इसको चला के देखने वाला हूँ कि क्या फीडबैक है बाइक का। तो चलो, मतलब बाइक पे बैठते ही ऐसा लग रहा है कि आप किसी कॉम्पैक्ट बाइक पे आ गए हो। और भाई इसका ना जो कॉकपिट व्यू है वो बहुत सही लग रहा है मेरे को, इसका कॉकपिट व्यू बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई, मतलब CBR वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, जैसे CBR है ना, 150 वाली जो CBR है, जो पुराना वाला मॉडल है, उस टाइप की लग रही है मेरे को ये कुछ। और थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो देखो यहाँ पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि भाई ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में पता नहीं चलेगा। बाकी अभी इसको एक खाली रोड पे खींच के देखते हैं कि कैसा खींचती है ये, कैसा रिएक्ट करती है। ओके, तो चलो। और भाई मतलब हाँ देखो, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे कि ये ऐसा चलेगी। मेरे को लग रहा था बस हीरो की है तो भाई क्या ही पावर होगी, बस ऑन पेपर दिखा दिया है 24.5 पीएस। और अगर इसके टॉर्क की बात करूँ तो इसमें 20 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलता है, सीट हाइट इसमें आपको 810 mm की मिलती है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। तो भाई ये सब स्पेक्स इसमें आते हैं। और इसके अगर ब्रेक्स की बात करूँ तो ब्रेक्स अच्छे हैं, अभी सही से चला के नहीं देखे हैं, तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है इसका, फील हो रहा है कि हाँ आप 24.5 पीएस चला रहे हो। और ब्रेकिंग भी ठीक है भाई, ठीक है ब्रेकिंग। और भाई देखो, मैं पिलियन से पूछता हूँ अपने कि वो पीछे कंफर्टेबल है या नहीं है। मोहित भाई, कंफर्टेबल हो पीछे? हाँ, पीछे कंफर्टेबल हूँ, लेकिन भाई स्पीड हाइट बहुत ज्यादा है। हाँ ज्यादा है ना, गिर रहे हो है ना। हाँ हाँ भाई भाई, तो देखा सुना आपने भाई, मतलब जो पिलियन है ना वो इतना कंफर्टेबल है नहीं पीछे। और भाई एग्जॉस्ट साउंड सुनो आप इसका जरा, एग्जॉस्ट साउंड तो भाई इसका गजब का है, बहुत ज्यादा गजब का एग्जॉस्ट साउंड है। मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है यार, लाइक RS है भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं मतलब RS राइड कर रहा हूँ, बट बॉडी अलग है और इंजन वही सेम है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है इसमें। को इसमें भाई मतलब स्विच गियर्स की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, RS से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मतलब अदर बाइक से कंपेयर करूँ ना तो इसकी स्विच गियर क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जिस प्राइस रेंज पे इसको रखा है हीरो ने तो वो भी ठीक ठीक कह सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं है ना कम है, मतलब ठीक है बाइक के हिसाब से। और इसकी जो मतलब क्वालिटी है, जो इसकी जो जैसे प्लास्टिक फेयरिंग्स क्वालिटी है ना, इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, RS से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब नहीं RS मतलब इतनी RS की बुराई नहीं कर रहा मैं, RS लवर्स पूरा मान जाएंगे, बट RS है, इतना हल्का फील हो रही है ना, मतलब जैसे मैं सच बताऊँ तो जैसे कोई R15 चला रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे फील हो रही है। R15 बहुत हल्की बाइक लगती है जब आप उसको ना ऐसे मतलब जैसे ट्रैफिक में फिल्टर करते हो ना, ऐसे 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 लहराते हुए, तो आपको हाँ लगता है कि भाई एक आप हल्की बाइक चला रहे हो। और मेरे को इस पर ऐसे ही लगा है बैठ के, और जैसे KTMs पे, जैसे 200 पे आप बैठते हो, 390 वाली जो पुरानी वाली 390 उस पर आप बैठते हो ना, तो जैसे आपको लगता है स्लीक सी बाइक है, बहुत पतली सी बाइक है ऊपर से, तो वैसा ही इसमें कुछ लग रहा है। एक सेकंड, आपको मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनो।
ये कुछ इसका एग्जॉस्ट साउंड है, तो चेक करो भाई ये बाइक का कुछ लुक है इस टाइप से। तो गाइस ये छोटा सा इसका एक्सेलरेशन टेस्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसका भी मीटर दिखा, मतलब इसके जो मीटर वायर है वो हटा रखा है क्योंकि भाई शोरूम की बाइक है तो किसी कस्टमर की बाइक है ताकि कोई दिक्कत ना हो, उसकी वजह से हटा रखा है। तो भाई एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा गजब है इसका, आप देख सकते हैं देखो। तो भाई कैसा लगा वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर कर देना आप डिटेल रिव्यू के लिए, आपको वीडियो मिलेगा अपने चैनल पे मोटर आर्ट्स पे। बाकी तो चलो गाइस मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ब्रेकिंग अच्छी है देखो, अभी सामने ट्रक आया मैं थोड़ा स्पीड में था तो अच्छी है ब्रेकिंग भी। तो भाई और भाई देखो टॉर्क ना इसमें फील होता है, 20 Nm का टॉर्क है तो वो फील होता है कि हाँ भाई बाइक में टॉर्क है अच्छा खासा, मतलब जितना R5 में पावर आती है ना उससे ज़्यादा इसमें टॉर्क है। R5 के लिए भाई थोड़ा बुरा लगता है ये सब बोल के, बट देखो जो रियलिटी है वो है, जितना इसमें टॉर्क है ना R5 में उतनी पावर आती है, उससे ज़्यादा ही है, 2 Nm का टॉर्क ज़्यादा ही है इसमें R5 से, R5 में 18 PS की पावर आती है। भाई साउंड बहुत अच्छा कर रही है ये, सच्ची में साउंड बहुत अच्छा कर रही है। मतलब भाई अगर आप इस बाइक को ले लेते हो ना तो भाई फन टू राइड है सच्ची में, मजा आएगा भाई चला के आपको। अरे यार ये रे, हाँ, तो भाई चलो मिलता हूँ आपको एक और ऐसे अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो में, अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है तो ज़रूर कमेंट करना, चलो बाय बाय। हाँ हाँ एक मिनट कर लो आप।